Welcome to Lincoln's In channel. Please hit the bell icon, like, share, subscribe for more videos. Thank you. डिफरेंस बिटवीन मैस एंड वेट, यानी मैस अगर हम देखें तो ये बेसिकली किसी जो हमारे पास क्वांटिटी है या कोई ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो मैटर की क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है, यानी वो कितना इसके अंदर पार्टिकल्स की मौजूदगी है। ठीक, तो इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या जी, इसका मैस है, जबकि ये एम से इसको जाहिर किया जाता है। और अगर फर्ज करें कि मैं कहता हूँ 5, तो ये के जी इसके यूनिट होते हैं, 5 kg इस ऑब्जेक्ट का मैस होता है। जबकि वेट जो होता है वो बेसिकली, अगर चले इसी ऑब्जेक्ट की मैं बात करता हूँ, तो हम यूं कहेंगे कि हम जो जमीन है, चूंकि हम ये बात जानते हैं कि हर दो जो पार्टिकल्स हैं या हर दो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, अपने सेंटर की तरफ जो है वो खींच रहे हैं, लेकिन जिसका मैस ज्यादा होता है यानी जिसमें पार्टिकल्स की तादाद ज्यादा होती है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेता है, यानी उसकी उसकी जो कशिश ज्यादा होती है। तो इस तरह हमारी जमीन, चूंकि हम भी अपनी जमीन यानी जमीन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन जमीन चूंकि हमसे बहुत बड़ी है इसलिए वो हमें अपनी तरफ खींचती है, और वो जिस फोर्स से हमें खींच रही होती है वो हमारे मैस पर डिपेंड कर रहा होता है। यानी अगर मैस हमारा ज्यादा होगा तो उतनी ही ज्यादा वो फोर्स जो है वो हमें जो जमीन की तरफ हमें खींचने में महसूस होगी, और वो फोर्स जो है बेसिकली वो वेट कहलाती है। यानी वेट जो है हम कह सकते हैं कि ये चूंकि हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में सिम्त में अप्लाई होता है, तो ये हमारे पास एक क्या है जी, वेक्टर क्वांटिटी है, एक फोर्स है। और अगर हम इस पे न्यूटन्स के लॉज के हवाले से बात करें तो हमने देखा कि एक ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो वो उसकी जो वेलोसिटी में एक नुमाया जो इजाफा होता है एक सेकंड में, वो 10 m/s का होता है। यानी इसमें जी एक्सलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, और अपवर्ड डायरेक्शन में ये होती है जी, यानी यहाँ मैं डायरेक्शन शो कर देता हूँ कि अपवर्ड डायरेक्शन में ये होती है जी -10 m/s². तो इस तरह से फिर हम यूं कहेंगे कि फोर्स चूंकि एक्सलरेशन प्रोड्यूस करती है, और मास को अगर हम अस्यूम कर लें कॉन्स्टेंट, तो मास अगर फर्ज करें इस बॉडी का एम है, तो इस वक्त जो इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो एम ए है, और एक्सलरेशन चूंकि इसमें ड्यू टू ग्रेविटी है तो हम इसको एम जी कह लेते। तो किसी भी बॉडी का जो मास है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी उसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, वो एक नंबर है। जबकि हमारे पास जो किसी बॉडी को जो जमीन अपनी तरफ खींच रही है कशिश से, वो जिस कशिश से खींच रही होगी वो क्वांटिटी जो है उसका वेट कहलाती है, जिसके यूनिट्स जो है वो न्यूटन है। एन से हम इसे जाहिर करते हैं, या फिर हम इसे जो है वो केजी m/s² भी कहते हैं। अब ये तो इसके हो गए स्टैंडर्ड यूनिट्स। और दूसरी बात यह कि हमने ये देखा कि जो वेट है ये चूंकि ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है, यानी जो हमारे पास वैल्यू ऑफ जी है इस पर डिपेंड करता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम जमीन से यानी ये सी लेवल है, फर्ज करें ये सी लेवल है, अगर हम इस पर होंगे तो मैक्सिमम जो है वो जी की वैल्यू एक्ट करेगी, लेकिन अगर हम इसे किसी ऑब्जेक्ट को इसकी हाइट पे ले जाते हैं तो हम देखते हैं कि जितना जितना हम इससे ऊपर चलते जाएंगे उतनी ही जी की वैल्यू कम होती जाएगी। और एक वक्त ऐसा आएगा कि फर्ज करें अगर हम मून पे पहुंच जाते हैं तो मून जो है उस पर जी की वैल्यू जो है वो जमीन की निस्बत जो है वो 6 times उससे कम होती है। यानी हम ये कहेंगे कि अगर एक ऑब्जेक्ट का वेट, फर्ज करें अर्थ पे मैं कहता हूँ इसका मास जो है वो 50 kg है, तो यहाँ पर हमारी जमीन पे इसका जो वेट होगा वो 500 N होगा। जबकि अगर मैं यही वैल्यू या अर्थ की मैंने बात की मून पे चला जाऊं तो यही जो वेट है मून पे ये इससे 6 times छोटा हो जाएगा, यानी हमें वहां पर बहुत हल्की ये चीज महसूस होगी। और जबकि इसका मास जो है यानी जो हमें इसका साइज है जितने मटेरियल से मिलके बना हुआ था वो उतना ही रहेगा। यानी मास एक हम ये कह सकते हैं कि मास चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है हर जगह पर, लेकिन जो वेट है वो चूंकि ग्रेविटी की वजह से था, और ग्रेविटी भी इस वजह से कि वो जमीन का साइज हमसे बहुत बड़ा है। अगर फर्ज करें हम जिस प्लेनेट पे रहते होते हैं वो जमीन के अलावा कोई और होता और उसका साइज इतना ना होता, तो वहां पर जो वेट हमें महसूस होते वो ये ना होते जो कि आजकल हम महसूस करें। यानी अगर छोटा कोई प्लेनेट होता तो शायद हमें वो डेफिनेटली जो वेट्स है वो कम महसूस होते, और अगर बड़ा उसका साइज होता तो मैस सेम रहता लेकिन वेट जो है वो हमें ज्यादा महसूस होता है।